सस्पेंस थ्रिलर मूवी बिल्कुल एक चेस के गेम की तरह है। हम हमारे दिमाग को हाईएस्ट लेवल पर लेके जाते हैं मूवीज को समझने के लिए। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर मूवी एज पर IMDb, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। सभी मूवीज को शॉर्ट में बस एक लाइन में समझेंगे, क्योंकि स्टोरी बताते बताते स्पॉइलर निकल गया तो उस घनघोर पाप के लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। हम सभी के लिए गुड न्यूज है कि ये सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। नाउ यू सी मी 2013 में आई 7.3 IMDb रेटिंग। सिर्फ एक जादूगर का जादू देख के हमारे होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में तो चार जादूगर है। लाइव ऑडियंस CBI FBI के सामने चोरी करते हैं और 9-11 हो जाते हैं। नंबर 19 में 2008 में आई द बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर और कई सारे ऑस्कर जीते हैं द हर्ट लॉकर, 7.6 IMDb रेटिंग। इस मूवी की खासियत है कि लिटरली ये मूवी आपको वो एंजाइटी और स्ट्रेस फील करवाती है जब एक बॉम्ब डिफ्यूज होता है। वॉर के टाइम कैसे एक सोल्जर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन से गुजरता है वो देख के आपका सोल्जर के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 18 पे टाई हो चुका है दो मूवीज के बीच में। पहली है टेकन। CIA एजेंट लियम नेसन की बेटी वेकेशन पे जा रही है और इसे किडनैप कर लिया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। I will look for you. I will find you. And I will kill you. नंबर 18 पे 2001 में आई 7.8 IMDb रेटिंग ओशंस 11। ये मूवी जबरदस्त कॉकटेल है हॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स का। इस मूवी में जॉर्ज क्लूनी अपने राइवल के तीन बड़े कसिनो से पैसे चुराने के लिए 11 स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम बनाता है। नंबर 17 पे इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर मूवी 2009 में आई 7.9 IMDb रेटिंग डिस्ट्रिक्ट 9। दो एलियंस इंसानों के बीच फंस जाते हैं जिन्हें एक सेफ जगह पे जाना है। ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज है शॉक और सरप्राइजेस का। नंबर 16 पे इस लिस्ट की पहली इंडियन फिल्म 2012 में आई 8.1 IMDb रेटिंग सुजॉय घोष की कहानी। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस इन 21st सेंचुरी विद्या बालन, जिसने एक प्रेग्नेंट वुमन का आउटस्टैंडिंग रोल प्ले किया है। लंदन से कोलकाता आई विद्या बालन कैसे अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढती है और एक एक करके मिस्ट्री कैसे ओपन होते जाती है वो देख के आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 15 पे नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन 8.1 IMDb रेटिंग 2007 में, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर और कई सारे ऑस्कर जीते हैं इसने। ये मूवी पैसों के लिए होने वाला चूहे बिल्ली के खेल की तरह है। नंबर 14 पे टाई हो चुका है दो मूवीज के बीच में। दोनों को 8.1 IMDb रेटिंग मिली है। पहली है शटर आइलैंड और दूसरी है 1999 में आई सिक्स्थ सेंस। दोनों मूवीज शुरुआत में जरा स्लो है लेकिन मैग्नेट की तरह है। आप धीरे धीरे इसमें खींचते चले जाते हो और जैसे मूवी एंड होती है आप इतने फोर्सफुली पुल होते हो कि आप चिपक जाओगे, घुस जाओगे इसके अंदर। नंबर 13 पे 1988, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूवी इन दिस लिस्ट, डाई हार्ट 8.2 IMDb रेटिंग। ब्रूस विल्स एक डिटेक्टिव है, क्रिसमस अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन हर सस्पेंस मूवी के अंदर एक विलन तो होना जरूरी है। विलन हीरो की वाइफ को और ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को बंदी बना लेता है। नंबर 12 पे 2008 की अ वेनसडे 8.2 IMDb रेटिंग। नसीरुद्दीन शाह जो कॉमन मैन का रोल प्ले कर रहे हैं, जब उनकी सटक जाती है ना तो पूरे मुंबई पुलिस के नाक में दम कर देते हैं। वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? Yes, they asked us this question on a Friday, repeated it on Tuesday. I'm just replying on Wednesday. बॉलीवुड के सस्पेंस को जिंदा रखते हुए नंबर 11 पे 8.4 IMDb रेटिंग के साथ अंधाधुन 2018 में रिलीज हुई। अंधे होने के फायदे और नुकसान के ऊपर ये पूरी मूवी है। दृश्यम के बाद तो जैसे हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी बॉलीवुड से कि ये कोई अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी देगा, लेकिन इस मूवी ने उस उम्मीद को फिर से जगाया। नंबर 10 पे मूवी नहीं लेकिन पूरी सीरीज है, 2002 से स्टार्ट हुई 8.2 IMDb रेटिंग द बॉन्ड सीरीज। ये मूवी स्टार्ट से लेके एंड तक फुल स्पीड पे चलती है, आपको जरा सा भी बोर नहीं होगा। हीरो की मेमोरी पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है, वहां से लेके अपनी पहचान ढूंढने तक ये पूरी जर्नी है और इस जर्नी में उसके साथ है प्रॉब्लम्स में से सोल्यूशन निकालने की एक नंबर धासू स्किल्स। टॉप 20 से टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर मूवी में पहुंच गए और क्रिस्टोफर नोलन की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। नंबर 9 पे 2000 में आई द मोमेंटो 8.4 IMDb रेटिंग। मूवी के हीरो को एंटीरोगेट एमनीशिया हो गया जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है हर थोड़े टाइम में। मूवी की शुरुआत ही एंड से होती है और पूरी रिवर्स में चलती है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। You don't know who you are. नंबर 8 पे 2006 की बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, टोटल 4 ऑस्कर्स जीते हैं 8.5 IMDb रेटिंग के साथ द डिपार्टेड। इस मूवी में आप देखेंगे दो अंडरकवर एजेंट मैट डेमन और लियोनार्डो कैसे अपने आप को एक्सपोज होने से बचाते हैं अथॉरिटी के सामने। नंबर 7 पे 2006 में रिलीज हुई द प्रेस्टीज 8.5 IMDb रेटिंग के साथ। कहानी दो जादूगर दो बेस्ट फ्रेंड्स की है, लेकिन एक ट्रेजेडी के कारण दोनों में गहरी दुश्मनी हो जाती है और फिर बस एक ही मकसद रहता है नंबर 1 मैजिशियन बनने का किसी भी कीमत पर। Shoot me. Come on. No, I can't. Do it.
you like that? How do you do it? Number 6 पे 1995 की 8.6 IMDb रेटिंग 7. वो डिटेक्टिव एक सीनियर और जूनियर मिलके एक ऐसे सीरियल किलर को ढूंढते हैं जो 7 डेडली सिंस के ऊपर लोगों का मर्डर करता है, जो है भूख, लालच, घमंड, गुस्सा, आलस और हवस. नंबर 5 पे 1991 की द साइलेंस ऑफ लैम्स 8.6 IMDb रेटिंग. ये मूवी सारे ऑस्कर कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है, जिसमें से बेस्ट मूवी, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, ऑलमोस्ट सारे अवार्ड जीते इसने. ये उन मूवीज में से है जिनके एक्टर्स बिना डायलॉग की मदद लिए अपनी आंखों से, एक्सप्रेशन से इतना टेंशन क्रिएट करते कि मैं क्या बोलूं आपको, बस ये मूवी देख लेना. नंबर 4 पे 1999 में रिलीज हुई 8.8 IMDb रेटिंग के साथ फाइट क्लब. अपनी घिसी पिटी लाइफ और जॉब से बोर होने के बाद अपनी लाइफ में थ्रिल लाने के लिए एक साइको के साथ मिलके अंडरग्राउंड फाइट क्लब स्टार्ट करते हैं. Crazy little shit. Excellent moment together. नंबर 3 पे 2013 में आई 8.8 IMDb रेटिंग मलयालम फिल्म दृश्यम, जिसका हिंदी रीमेक भी किया है. दुनिया की टॉप 3 सस्पेंस थ्रिलर में इंडियन मूवी का नाम लेते हुए सीना चौड़ा हो गया एकदम. मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल और लॉजिकल है. एक इंसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारी हदें पार कर सकता है. इस मूवी का हिंदी रीमेक उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना ओरिजिनल है. अगर आपको ओरिजिनल मलयालम दृश्यम देखनी है तो हॉटस्टार पे अवेलेबल है. इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद कर्ज. आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी फेवरेट मूवी इस लिस्ट में नहीं है तो प्लीज गूगल पे जाके अपने मूवी का नाम और आगे जॉनरा टाइप कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से कैटेगरी का है. नंबर 2 पे आती है इंसेप्शन 8.8 IMDb रेटिंग 2010 में रिलीज हुई. आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये मूवी 2010 में रिलीज हुई है लेकिन टाइम ट्रेवल करके 2010 में आई. इस मूवी ने बेस्ट साउंड और विजुअल डिपार्टमेंट में 4 ऑस्कर जीते हैं और ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है. मूवी का कॉन्सेप्ट है लोगों के ड्रीम्स में जाके इन्फॉर्मेशन चुराना और उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके आइडिया को इजाद करना या इम्प्लीमेंट करना. ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहूंगा, ये मूवी पहली बार इंग्लिश में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी. नंबर 1 पे 9 IMDb रेटिंग के साथ 2008 में रिलीज हुई द डार्क नाइट. थोड़ी सी दहशत पैदा करो, व्यवस्था को हिला दो और फिर सब कुछ तबाह हो जाता है. मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम सब इस बात से अग्री करेंगे कि क्रिस्टोफर नोलन को फादर ऑफ सस्पेंस थ्रिलर मूवी घोषित कर देना चाहिए. हीथ लेजर की जबरदस्त एक्टिंग ने जोकर के कैरेक्टर को अमर कर दिया है. ये मूवी एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें एक्शन, एडवेंचर, क्राइम, ड्रामा, सस्पेंस और फूट फूट के वाओ मोमेंट्स भरे हैं. अगर आपको इस वीडियो पे मेरी थोड़ी सी मेहनत पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना. और अगर आप भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज को ढूंढने में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. मैं वेट करूंगा आपका कमेंट सेशन में. थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय.